ऐसे में अब पाकिस्तान की सरकार से नाराज बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी कैसे पीछे रह सकते थे, उन्होंने भी अब पाकिस्तान के दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। जी हाँ, पाकिस्तानी टीम को लेकर अदनान सामी ने एक मजेदार ट्वीट किया है। अदनान सामी के इस ट्वीट के साथ शेयर किए गए गाने को देखकर फैंस हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। मेरे तो लग गए। कुछ जज्बात जो हैं उनके लिए अल्फाज कम होते हैं, और आज जो सम्मान मुझे दिया गया है उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए इंग्लैंड की टीम को बधाई दी है, लेकिन वहीं पाकिस्तानी टीम का भी मजाक बनाया है। अब उनको इंडिया का एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड, उससे नवाजा गया। क्योंकि अपना अपना ज़र्फ है, अदनान समी खान को पाकिस्तान में भी बहुत पजीराई मिली, लेकिन शायद वो ये इज्जत नहीं लेना चाहते थे तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। अदनान समी खान साहब बहुत बड़े मतलब सिंगर, म्यूजिशियन, बहुत काम किया उन लोगों ने, उन्होंने उनको एक अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के मतलब इंडियन चैनल्स पे जब वो दिए जा रहे थे तो मैंने देखा, लेकिन मैं एक सोच रहा था सुमित साहब कि मतलब कौन सी ऐसी अचीवमेंट है कि जिसके ऊपर अदनान समी खान को अवार्ड। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के आजकल हर कोई सच्चाई बताने में लगा हुआ है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में हारा तो पाकिस्तान के कई खिलाड़ी सामने आ गए पाकिस्तान की सच्चाई बताने। जिसको भी जहां मौका मिल रहा है पाकिस्तान की बजाने में लगा हुआ है, अफगानिस्तान जैसा देश बजाने में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान के सिंगर अदनान सामी जो एक वक्त पर पाकिस्तानी हुआ करते थे अब हिंदुस्तानी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पोल खोल देंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन पर क्या क्या जुर्म किए हैं और अत्याचार किए हैं दुनिया को बताएंगे। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री पुरानी ही रही है, जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल होना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास, उन्हें पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं करनी आती है। अदनान सामी को कौन नहीं जानता है, एक बॉलीवुड के फेमस सिंगर है। अब उन्होंने तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हार के बाद भी एक पाकिस्तानी टीम के लिए एक सॉन्ग रेडी कर दिया है। अदनान सामी ने इंस्टाग्राम में अपना दुख बयान करते हुए लिखा है, उनका गुस्सा पाकिस्तानी पब्लिक के खिलाफ नहीं है मगर उनको तकलीफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। इंडिया की सिटीजनशिप लेने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी उनके खिलाफ उल्टा सीधा लिखा गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीपल ऑफ इंडिया, लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं आज अपने जज्बात को ठीक तरह से बयान नहीं कर सकता। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी, एंड आई वुड लव टू डेडिकेट दिस टू माय फादर एंड माय मदर। जी बेशक, बिल्कुल, इस तरह का अवार्ड इस वक्त पे मिलना मेरे लिए ना सिर्फ ऑनर की बात है, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा उतरूं उस पे और लोगों को और खुशियां दूं अपने संगीत। मतलब कौन सी ऐसी अचीवमेंट है कि जिसके ऊपर अदनान समी खान को अवार्ड दिया गया, क्योंकि जब से उनकी मतलब वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ली है, मुझे सच कोई मतलब उनके म्यूजिक में या किसी और चीज में मुझे कोई सच कोई चीजें नजर नहीं आई। हो सकते हैं मैंने ना देखी हूं, बट यू आर लिविंग देयर इन इंडिया, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं एज एनालिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उनको किस बेस पे ये अवार्ड दिया गया। देखिए, ये जो पद्मा अवार्ड होते हैं कई सारे लोगों को दिए गए और कई सारी चीजों में दिए गए। अब जो अदनान सामी साहब का जो एरिया आता है वो आता है आर्ट। अब मैं आपका देखूं तो एक जिन्हें अवार्ड और मिला, एकता कपूर। एकता कपूर जी वो है जी, जो सास बहू वाले जितने भी सीरियल है ना खतरनाक, ये वो बनाने के लिए। आपके मेरे एक पाकिस्तान में दोस्त थे, एक बार वो मुझे मिले यूएस में, कहता यार एक बार बताओ सुमित जी, ये इंडिया में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा नहीं होता। कहता यार, मैंने कहा तो कहता फिर ये दिखाते क्यों? मैंने कहा भाई टीआरपी दिखाते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसा होता क्या? कहता होने लगा है। एक वो है, एक और एक बड़े फेमस नाम है करण जौहर साहब, उनको भी अवार्ड मिला। अगर अब ये जो आर्ट है ना सर, आर्ट रन्स ऑन परसेप्शन, आर्ट कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर एकता कपूर कोई टेंजिबल चीज नहीं होती, देखिए करण जौहर साहब कोई मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसी कौन सी पिक्चरें बनाई जिससे देश और दुनिया का भलाई हुई है, मुझे मैंने तो खैर नहीं देखी। अब ठीक उसी तरह से अदनान सामी साहब ने जैसा काम जरूर किया होगा, जिससे कुछ जो ये इनके जजेस होते, जो बहुत मतलब देखिए मैं आर्टिस्ट तो हो नहीं सा, मुझे आर्ट वैसे ही कम समझ आता है, जो जो इनको देखते इनका आंकलन करते उन्हें लगता नहीं यार इन्होंने बहुत बड़ा काम किया आर्ट के उसमें।
और मैं आपको एक और बार बताऊं, ये जो हमारे सीरियल चलते हैं ना आजकल सास बहू वाले, इनमें तीन एलिमेंट होते हैं, सास बहू और साजिश, तीन चीजें चलते हैं, पाकिस्तान में खूब बिकते हैं, दुनिया भर में खूब बिल्कुल बिकते रहते, चुपचिपके रहते हैं इनमें। अब देखिए साहब, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो एक चीज है, जो बिकता है वो सोना है। मैं क्या बोलूं, अदनान समी खान जो मौसीकार गुलकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर भारतीय शहरियत इख्तियार की थी। नाज़रीन, भारतीय मौजूदा भारतीय गुलकार अदनान समी खान, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी थी, आपको याद होगा अदनान समी खान पाकिस्तान में एक मशहूर शख्सियत हैं, हकूमती शख्सियत भी रही हैं वो, अदनान समी के वालिद समी खान उनके ये बेटे हैं। इन्होंने, आपको याद होगा, साबिक अटारनी जनरल याह्या बख्तियार की बेटी ज़ेबा बख्तियार से शादी की, लेकिन वो शादी इनकी कोई ज़ाती वजूहात थी, उसकी वजह से ना चल पाई। तो अदनान समी ने फिर उसी दौरान ही पाकिस्तान की शरीयत छोड़ी और इंडिया चले गए। इंडिया में ना सिर्फ उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी काम किया, फिल्मों के लिए भी काम किया, बल्कि उन्होंने वहाँ की शहरियत भी इख्तियार कर ली। तो नाज़रीन, अब उनको इंडिया का एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड, उससे नवाजा गया। जो इंडिया के सदर हैं रामनाथ कोविंद, उनके महल के अंदर एक तकरीब हुई जिसमें कोई तकरीबन लगभग 74 से भी ज़्यादा शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। तो पद्मश्री अवार्ड इंडिया का चौथा बड़ा अवार्ड है जो अदनान समी खान को दिया गया। तो अदनान समी खान ने बाद में काफ़ी सारे कुछ मुतनाज़ा उनके बयानात भी आए, लेकिन फिर भी हम तो बड़े दिल के लोग हैं, अगर कोई हमें अपना छोड़ के जाता है तो भी हम उसको उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि अपना अपना ज़र्फ़ है। अदनान समी खान को पाकिस्तान में भी बहुत पज़ीराई मिली, लेकिन शायद वो ये इज़्ज़त नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। ज़ेबा बख्तियार के साथ उनके जो मामलात बने, उसमें उन्होंने ज़ेबा बख्तियार के जो अब बेटे हैं माशाल्लाह वो भी गुलकार बन गए, तो वो भी अब पाकिस्तान में शोबिज़ में नज़र आते हैं। तो ज़ेबा बख्तियार साहबा ने अपनी इस तलाक के मुतल्लिक कभी कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया, लेकिन खामोशी से वो अपनी दुनिया उन्होंने अलग कर ली। अब ये तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी है, और मेरा तो मिजाज ऐसा नहीं है कि किसी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं कोई बहस करूँ, लेकिन बहरहाल अदनान समी ने एक और शादी भी की जो कि अरेबिक थी गालबन। अदनान समी की अगर फ़नी ज़िंदगी के बारे में हम बात करें, तो अदनान समी ने पाकिस्तान के अंदर भी जो फिल्में बनाई थीं वो भी काफ़ी उनकी हिट रहीं। इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ गाने ऐसे भी गाए हैं जो अमिताभ जैसे एक्टरों पर भी फिल्माए गए हैं, फिर काफ़ी सारे उनके गाने वहाँ मशहूर हैं। हम अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताएँगे कि मुख्तसरन यही है कि अदनान समी खान को इंडिया में सबसे जो बड़ा उनका पद्मश्री अवार्ड है, तकरीबन बड़े अवार्ड्स और भी हैं, चौथा नंबर है गालबन पद्मश्री अवार्ड का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।